8.16 सूचनाओं का आवागमन उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्सेस विभिन्न बाह्य एवं आंतरिक स्रोतों से कई प्रकार की सूचनाएं हमारे शरीर को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती रहती है। इस प्रकार की सूचनाओं को हम उद्दीपन कहते हैं। यदि हम इनके प्रति प्रतिक्रियाएं व्यक्त नहीं कर पाते तो यह हमारे लिए कई तरह से नुकसानदेह हो जाता है। उदाहरण के लिए किसी गर्म बर्तन पर हाथ लग जाए तो तुरंत हाथ हट जाता है। गर्मी का उद्दीपन बर्तन से हाथों की संवेदी कोशिकाओं को मिलता है। यहाँ से संवेदी तंत्रिकाओं सेंसरी न्यूरॉन द्वारा यह मेरुरज्जु तक पहुँचता है। वहीं से प्रतिक्रिया प्रेरक तंत्रिकाओं मोटर न्यूरॉन द्वारा हाथ के पेशी ऊतक के संकुचन और फैलाव को इस प्रकार प्रभावित करती है कि हाथ हट जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया अर्थात उद्दीपन से प्रतिक्रिया तक को प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण आमतौर पर मेरुरज्जु द्वारा होता है। यदि उपरोक्त उदाहरण में प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं होती तो क्या होता? बर्तन गर्म हो तो आप सावधानी पूर्वक काम करते हैं। क्या मस्तिष्क की इसमें कोई भूमिका होती है? क्रियाकलाप एक में आपने छड़ी को आंखों से देखकर हाथ से पकड़ने का प्रयास किया। आपको प्रक्रिया शुरू करने का संकेत कानों से मिला। आंखों और कानों से प्राप्त सूचना या उद्दीपन के प्रति आपने हाथ के द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। अर्थात इन तीनों अंगों के तालमेल से ही आप छड़ी को पकड़ पाए। सोचकर बताइए इन तीन अंगों के अलावा शरीर के और कौन से अंग इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं? यहाँ आंखों व कानों से मेरुरज्जु या मस्तिष्क तक सूचना ले जाने वाली तंत्रिकाएं संवेदी तंत्रिकाएं हैं, जबकि मेरुरज्जु या मस्तिष्क से हाथ की मांसपेशियों तक प्रतिक्रिया करने के लिए सूचना पहुंचाने वाली तंत्रिकाएं प्रेरक तंत्रिकाएं हैं। इनके बीच जुड़ाव या तो सीधे साइनेप्स द्वारा या अन्य तंत्रिकाओं द्वारा होता है। यदि हम इस क्रियाकलाप में हो रही प्रक्रिया में सूचनाओं का मार्ग दर्शाने का प्रयास करें तो यह इस प्रकार होगा। क्या आप जानते हैं, कई बार डॉक्टर घुटने के जोड़ पर रबर की हथौड़ी से हल्की चोट कर दर्द और दबाव के अनुभव का पता लगाने की कोशिश करते हैं। यह दर्द और दबाव पेशियों से संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा मेरुरज्जु तक, फिर मेरुरज्जु से प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा पैरों की पेशियों तक पहुंचता है। संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाओं में सीधा संपर्क साइनेप्स द्वारा होता है। पैर के ऊपरी हिस्से की पेशियों में संकुचन व निचले हिस्से में फैलाव होने से पैर एक झटके से आगे की तरफ उछलता है। मेरुरज्जु से सूचना मस्तिष्क तक अन्य तंत्रिकाओं द्वारा पहुंचती है और दर्द का अनुभव होता है। इस प्रकार की कुछ अन्य प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण सोचकर लिखें। अचानक सुई चुभने से हाथ एक झटके से हट जाता है। इस प्रतिवर्ती क्रिया में कौन कौन से अंग काम कर रहे हैं? सूचनाओं के आवागमन का मार्ग बनाएं।